अपनी शरण में ले लो, नाम ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो, नाम ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा। जीवन देखे जाल बिछाया, रच के माया नाच न जाया, जाल बछाया रच के माया नाच न जा। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा। चिंता मेरी तभी चिंतन में ले लो राम, ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास ना पुल की पूंजी, मेरे पास ना पुल की पूंजी, पग पूजन में ले लो राम, ले लो रा, मुझे अपनी शरण में। मेरे पास ना पुल की पूंजी, मेरे पास ना पुल की पूंजी, पग पूजन में ले लो राम, ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो रा, मुझे अपनी शरण में दर बट तू कहाँ कहाँ अपना सर बट तू घर अटकू दर दर बट तू कहाँ कहाँ अपना सर बट तू इस जीवन में मिलो न तुम तो मोरा इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में अपनी शरण में ले लो रा। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, जुगल चरण में ले लो रा, मुझे अपनी शरण में ले लो रा, ले लो रा। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं एवं बहनों, कल कुछ भगवत भक्ति के संबंध में चर्चा हुई। आज एकादशी तिथि है और भक्ति की भूमिका भी एकादशी ही है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद रखे गए, द्वादश स्कंद तो भगवान का सूचक है। भक्ति के द्वारा जिस भगवान को हमने प्राप्त करना है वो तो हुआ द्वादश बारहवां, और उस भगवान की प्राप्ति के लिए भूमि है 11, इसीलिए भागवत के 12 स्कंद। जैसे सागर में
बिना गोते लगाए रत्नों का पता नहीं चलता। जो सागर में गोते लगाने की तरकीब सीख लेता है वह समुद्र में गोता लगाकर रत्नों को प्राप्त कर सकता है, और जिसने तरकीब न सीखी हो उसे समुद्र में से रत्न तो मिलना एक और रहा, बल्कि खारे पानी से उसका मुख भर जाता है। श्रीमद् भागवत भी सागर है, अगर इसमें गोते लगाने का ढंग सीख लिया जाए तो इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी रत्न मिलते हैं। यदि गुरु कृपा न हो, इसमें गोता लगाने का ढंग ना सीखे तो खारे पानी की तरह कुछ ऐसी कथाएं आती हैं जो समझ में नहीं आती, उन कथाओं के द्वारा मनुष्य कुछ अपनी विपरीत धारणा ही बना बैठता है। जैसे आजकल कुछ नए बंधु भागवत के वास्तविक रहस्य को न समझ कर कृष्ण चरित्र, देव चरित्र, ऋषि चरित्रों पर तरह तरह के कटाक्ष करके अपने जीवन को निष्फल बना लिया करते हैं। अब हमको ये विचार करना है, ऊंचे मकान के शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत है। मकान ऊंचा हो, अगर वहां सीढ़ियां न हो तो उसके शिखर पर चढ़ना मनुष्य के लिए कठिन नहीं, एक तरह असंभव हो जाता है। और मकान ऊंचा हो, सीढ़ियां कम हो, तब भी कष्ट होता है। इसीलिए ये जो ऊंचा मकान है भगवत धाम, उस भगवत धाम की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत ने 11 सीढ़ियां लगा दी हैं। इन्हीं को भक्ति की 11 भूमिकाएं कहा जाता है। अब श्रीमद् भागवत में किस स्कंद में किस भगवत भक्ति की भूमिका का, सोपान का, सीढ़ी का वर्णन किस प्रकार से हुआ है, हमें उस बात पर विचार करना। एक स्वामी मधुसूदन सरस्वती हुए हैं जो इसी बंगाल प्रदेश के थे, वेदांत के उच्च कोटि के विद्वान और भक्त चूड़ामणि। उन्होंने श्रीमद् भागवत का आलोचन किया और श्रीमद् भागवत से ढूंढ कर उन भक्ति की 11 भूमिकाओं को निकाला। अब वो भक्ति की 11 भूमिकाएं 3 श्लोकों में हम आपके सामने रखते हैं। भक्ति रसायन प्रथम समुल्लास और श्लोक है 32-33। तो भक्ति रसायन के प्रथम समुल्लास में श्रीमद् भागवत में बतलाई हुई भक्ति की जो 11 भूमिकाएं हैं उनका निरूपण मधुसूदन स्वामी निम्न श्लोकों के द्वारा इस प्रकार कर रहे हैं। प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रतः ततः श्रद्धात तेषां धर्मेषु ततो हरि गुण श्रुति ततो रत्यंकरोत्पत्ति स्रूपादिगतिस्ततः प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यास्फुरणं ततः भगवद् धर्म निष्ठातः स्वस्मिंस्तद् गुणशालिता प्रेमणोत्परमाकाष्ठे त्युदिता भक्ति भूमिका। स्वामी मधुसूदन अपनी ओर से नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर बतलाते हैं कि अगर हम भगवत प्रेम द्वारा भगवान की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं तो हमारे लिए पहली भूमिका या पहली क्लास या पहली सीढ़ी क्या है, महताम सेवा, महान पुरुषों की सेवा। ये भगवत प्रेम मंदिर में आरोहण करने के लिए पहली सीढ़ी, पहला सोपान या प्रथम भूमिका है। महत शब्द से यहां दो लिए जाते हैं, एक तो सबसे महान है भगवान और दूसरे महान है भगवान के प्रेम।
तो महत सेवा का मतलब यहाँ ये है, या तो हम भगवान की सेवा करें, अगर भगवान हमारी मनवाणी से परे हैं, हमारी आंखों से ओझल है, अगर वहां तक हमारी पहुंच न हो, जो भगवान तक पहुंच चुके हैं, भगवान के प्रेमी जिन्हें संत या महात्मा कहा जाता है, उनकी सेवा करना ये भी महत सेवा है। महत सेवा को दो भागों में बांट दिया गया, एक साक्षात भगवान की सेवा और एक साक्षात भगवान के प्रेमियों की सेवा। भगवत सेवा या भगवत प्रेमी संतों की सेवा, इसका नाम है महत सेवा। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद पंचम अध्याय में लिखा, महत सेवां द्वार माहु विमुक्ते स्तमो द्वारम जोषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुरदस साधो। कहते हैं मोक्ष का द्वार, मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा कौन सा है? भागवत पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि महताम से महान जो भगवान अथवा महान भगवान के प्रेमी जो महान महात्मा संत, उनकी जो सेवा है, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, ये जो संसारिक देवीये भगवान की माया की प्रतिमूर्ति नवयुवतिये या नवयुवतियों के प्रेम भास में फंसे हुए नवयुवक विषय लंपट प्राणी, इसमें उन युवक और युवतियों का ग्रहण नहीं जो भगवान के प्रेमी हैं, वो तो महान कोटि में ही आ गए। भगवान हो या भगवान के प्रेमी हो, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, वो तो सब महान कोटि में। निम्न कोटि में वही है जो भगवान को भूल गए और भगवान की माया के चंगलों में फंसकर विषय वासना के गुलाम बन चुके। इसीलिए एक महात्मा ने ऐसे मनुष्यों को धिक्कार दिया है, खाना पीना पहनना सोवना बिस्तर गया है मरना, खसम बसार खुआरी कीनी धिग जीवन नहीं रहे। कहते खाना पीना वस्त्रों को पहनना सोए रहना, इन कहते संसारिक विषय वासनाओं में फंसे रहना और खसम बसार जो स्वामी है अपना सच्चा भगवान, उसको भूल कर आए प्राणी खुआरी कीनी, तेने बहुत अपनी खराबी कर ली, अपने जीवन को बिगाड़ लिया, धिग जीवन नहीं रहना। अरे इस जीने से तो मरना अच्छा, धिक्कार है तेरे जीवन को, तू किस लिए जी रहा है? जिस प्रभु के आज्ञा को मानकर और इस चोले को इसलिए पहनकर आया था कि उस जगत पिता की गोद में जा पहुंचूंगा और इस मानव जीवन अमूल्य चोले का तैने दुरुपयोग कर डाला, धिक्कार है तेरे जीवन को। इस तरह के जो निम्न श्रेणी के प्राणी हैं, जो माया पति से प्यार ना कर माया के प्रेमी बन गए हैं, जो नारायण को भूल कर लक्ष्मी की चरण सेवा में लगे रहते हैं और विषय वासना के दास बन चुके हैं, कहते ऐसे मनुष्यों का जो सहवास है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, युवक हो युवती हो, उन लोगों का जो संसर्ग है, ये कहते खुला हुआ नरक का द्वार। फिर परीक्षित बगैर पूछे न रह सके, गुरुदेव सुखदेव कृपा करके हमको ये बतला दें, मुक्ति का दरवाजा जिन महात्माओं की सेवा बतला रहे हैं, उन महात्माओं की पहचान क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका लक्षण क्या है? सुखदेव कहने लगे, अरे भाई सात तो दिन है, 12 स्कंद श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना है, तू महात्माओं के लक्षण पूछ रहा है, महात्माओं की चरण धूलि की भी महिमा कहने लगे तो वर्षों खत्म हो, उनकी चरण धूलि की महिमा नहीं हो सकती, पर हाँ
तैने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, इले थोड़े शब्दों में मैं कुछ महात्माओं का स्वरूप बतलाता हूँ। वो कहते हैं महांतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुरसाद हो ये। कहते जो श्रेष्ठ पुरुष है परोपकार ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, विमन्यव लोग भले उनका अपमान करें तिरस्कार करें, इतना ही नहीं गालियों की वर्षा करें, ईंटें और पत्थर फेंकें, ऐसे दुर्व्यवहार करने पर भी जिनके हृदय में कभी क्रोध आता है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आपने धर्म प्रचार के लिए सब शिष्यों को आज्ञा की, मुझे आज्ञा नहीं की, मुझे भी आप कृपा करके किसी देश में भेजें धर्म प्रचार के लिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं भाई यहां पहले लोग सत्संगी है उनका सुधारना क्या कर, सभी महात्मा वहां जाना पसंद करेंगे जहां आगे से सत्संगी मोटर लेकर लेने आए, रहने के लिए बंगले की व्यवस्था करें, खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो, गले में फूल माला डालें और स्वागत करते रहें। पर मैं ऐसे देश में तुझे भेजना चाहता हूं जिस देश में संस्कार ही ना, उन संस्कार विमुख प्राणियों को प्रभु की ओर लाया जाए, व्यवहार उन विषय लंपटों को कुछ आत्म चिंतन की ओर अग्रसर किया जाए, मैं उस देश में तुझे भेजना चाहता हूं, क्या तू उस देश में जाना पसंद करेगा? कहते हाँ गुरुदेव अवश्य जाएंगे, सिपाही का काम है जहां कमांडर की आज्ञा हो वहां जाके तैनात हो जाना, हम तो आपके सिपाही हैं, जहां गुरुदेव हमारी ड्यूटी लगाओगे हम जाएं। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे भाई पीछे रोएगा गुरुदेव ने मुझे कहां भेज दिया, मैं कुछ बातें तुझसे पूछ लेना चाहता हूं, अगर उन बातों में तू पूरा उतर सके तो जाना, अन्यथा जाने का कोई लाभ। महात्मा बुद्ध कहते हैं बेटा वहां के लोगों को मैंने सुना है कि वो तो ऐसे कुसंगी हैं, अगर कोई संत महात्मा वहां चला जाए तो उसको गाली शुरू कर देते हैं, गालियां देने, गालियों की वर्षा होने लगती है, जैसे फूलों की वर्षा उसने वहां गालियों की वर्षा। कहते हाँ महाराज अगर वो मुझे गाली देंगे तो मैं समझूंगा कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे, और बड़ी दया कर रहे हैं, गालियां देकर ही छोड़ रहे हैं, ईंट पत्थर तो नहीं लगा रहे। कहते अगर किसी ने थप्पड़ लगा दिया कि मैं उनका धन्यवाद करूंगा, फिर भी मुझ पर कहते इन्होंने प्रेम भावी रखा, थप्पड़ी लगाया पत्थरी ईंट तो नहीं लगाई। महात्मा बुद्ध खुश हो गए, गले से लगा लिया कि जाओ बेटा तुम्हारी वहां जीत हो। वो शिष्य उस देश में गया, वो कुसंगी लोगों ने गालियां निकाली, ईंट पत्थर फेंके, डंडे लगाए, तलवार लेकर गला काटने के आए, बस ये अपने ओम ओम की ध्वनि कर रहे हैं, ना किसी के लिए बुरी भावना है, ना काहू सी दोस्ती ना काहू सी वैर, जो संतों का सिद्धांत है सुख दुख दोनों समकर जानो, और माने अपमाना हर शोकते रहे अतीता तिन जग तत्। जैसे आप रोज ही दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा में सुन रहे हैं कि भिन्न भिन्न गुरुओं से दत्तात्रेय ने साधु को कैसा अपना जीवन बनाना चाहिए ये शिक्षा दी, वो साधु अपने जीवन में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की शिक्षाओं को ढाले हुए था, भला उसको क्रोध कहाँ, उसने अपनी शांति के द्वारा उस देशवासियों को जीत लिया, वो सबका सब देश उनका चरण सेवक बन गया। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में मतलब विमन्यवः, तिरस्कार अपमान गाली ईंट पत्थर लाठी प्रहार वगैरह से भी जिनको क्रोध नहीं आता कहते वो हैं विमन्यवा, और फिर कैसे हैं सुहृदा। एक तो होते हैं प्रेमी, मतलब सिद्ध होने पर तो प्रत्येक प्राणी प्यार करता है, दुकानदार को आपने पैसे दिए उसने उसके बदले में सौदा दे दिया, दोस्ती बन गई। तो ये प्रेम के बदले प्रेम करना प्रेम नहीं कहलाता, ये तो प्रेम की दुकानदारी है। सच्चा प्रेम तो वो है जिस प्रेम के मूल में कोई कारण। तो महात्मा जो होते हैं अकारण, बगैर किसी कारण से वो प्यार किया,
मुझे अपने जीवन का अनुभव है, मैं हरिद्वार में अकेला घूम रहा हूँ, गुरुदेव मिल गए, मतलब उन्होंने मुझसे क्या लेना था। माँ बाप इतना प्यार नहीं करता, भाई इतना प्यार नहीं करता, चाचा ताऊ इतना प्यार नहीं करता, वो हाथ पकड़ कर कहते हैं बेटा तू दुनिया में इसलिए तो नहीं आया कि इस बाल्यावस्था का जीवन जो विद्याभ्यास के लिए ही शास्त्रों में निश्चित किया गया 25 वर्ष तक विद्याभ्यास करना, तू मुफ्त में घूम घूम इसे खो रहा है, बेटा विद्याभ्यास में लग जाओ। गुरुदेव के चरणों में मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव आप तो मुझे विद्याभ्यास का उपदेश दे रहे हैं, पर आंखों वाले भी घबराते हैं विद्याभ्यास से, और आप संस्कृत पढ़ने का आज्ञा कर रहे हैं, अगर रामायण वगैरह पढ़ने के लिए कहते तो मैं मान भी जाता। कहते नहीं बेटा क्यों घबराता है, हमको पता है जहां तुझे पहुंचाना है, लोगों का काम जो वर्षों में होगा बेटा तेरा काम घंटों में होगा, वर्षों के काम महीनों में, महीनों के काम दिनों में, दिनों के काम घंटों में, और घंटों के काम सेकंडों में, मिनट में होंगे। शरीर भी ये रुग्ण ही रहा, बनारस में जाना, एक एक महीना बुखार आता रहे, और फिर जब अर्क दुर्बल हो जाए तो बनारस को छोड़ दें, बड़ी मुश्किल से हम बनारस में कभी 6 महीना कभी 3 महीने से सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 18 महीने, पर गुरुदेव की दया से ये सब वेदों का, दर्शनों का, व्याकरण का, साहित्य का, मीमांसा का सभी ज्ञान मिला। अब आप जानते हैं, आप तो अपने भाई के ही उन्नति का यत्न करेंगे, लड़के की उन्नति का, किसी रिश्तेदार की का, जिनकी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी, मेरे साथ उनका कोई संबंध नहीं, फिर भी मुझे उन्नत करने का जो उन्होंने प्रयास किया, इसके मूल में अकारण प्रेम ही था। इसलिए जो अकारण प्रेमी होते हैं उन्हीं को कहते हैं सुहृदा। जो अकारण प्रेमी है, बगैर कारण के प्यार करते हैं, और फिर कैसे हैं समचित्ता, दुनिया में और तो कोई समान हो नहीं सकता। कितना हम समान होने का दावा करें, ऊपर से हम अपने को निष्पक्ष बतलाएं, हृदय के भीतर अपने संबंधियों के लिए मोह प्रेम मोहब्बत बनी रहे। समचित्त हैं तो मेरे प्रभु, उनके लिए शत्रु मित्र भक्त भक्त सब समान ही है। दुर्योधन जो भगवान को पकड़ने का यत्न करता है और अर्जुन जो उनका सखा है, दोनों सहायता के लिए गए, दोनों को कहते हैं अच्छा भाई दोनों को सहायता देंगे, तू दुर्योधन क्या चाहता है, अर्जुन तू क्या चाहता है। दुर्योधन ने सहायता में उनकी सेना मांग ली, अर्जुन ने भगवान मांग लिए, सहायता की दोनों। तो समचित्ता, जैसे भगवान की सब में समान दृष्टि है, इसी तरह जो प्रत्येक प्राणी में समान भावना रखते हैं, कहते ये महात्मा की तीसरी पहचान है। वैसे देखो कि जिसके चित्त में मान अपमान में चित्त की विकृत स्थिति नहीं होती, निर्विकार जिनका मन रहता है, मान अपमान शोक दुख हर शोक, जो बगैर ही कारण के प्यार किया करते हैं, कितना भी उनका तिरस्कार किया है, जिनको कभी भूल कर भी क्रोध नहीं आता, कहते वो महात्मा है। उन महात्माओं की सेवा या उन महात्माओं का भी जो आराध्य देव भगवान है सबसे महान, इन दोनों की सेवा जो है भगवान की सेवा, अथवा भगवान के महात्म प्रेमी महात्माओं की सेवा, ये कहते मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है, और ये भगवत भक्ति की पहली सीढ़ी। जो भगवत सेवा में प्राणी लग गया, समझ लेना चाहिए कि इसने भगवत प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहली सीढ़ी पर अपना पांव रखा। ये श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 5वें अध्याय में ये वर्णन आता है। एक स्थान में नहीं, इस पहली सीढ़ी को बड़ी पुख्ता किया है। श्रीमद् भागवत के 3वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 1वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इन बातों का विस्तृत वर्णन आता है। अब जरा देवहूति से कपिल महाराज अपनी माता से कह रहे हैं, 3वें स्कंद अध्याय 25। प्रसंगम पाशमजरम आत्मन कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कहते मां
संसार में किसी चीज से विशेष संबंध, विशेष रिश्तेदारी, किसी तरह का कनेक्शन या किसी तरह की मोहब्बत पैदा कर लेना, ये सबसे बड़ा बंधन और सबसे बड़ी फांसी है। ये शायद लोहे चांदी या रस्सी की फांसी है तो प्राणी भी हो जाए, ये ऐसी फांसी है जो कभी जीर्ण नहीं होती, उत्तरोत्तर नवीन नवीन बनती चली जाए। ये मोहपात मोहब्बत ऐसी चीज है कि जो जो आप अधिक एक दूसरे के सहवास में रहेंगे, जैसे जैसे अधिक समय व्यतीत होगा, वैसे जैसे मोह की पाश मोहब्बत की फांसी मजबूत होती जाएगी, नित नूतन नवा नवाति नव होती चली जाएगी, ये कभी जीर्ण नहीं होती। दूसरी जो फांसी है लोहे चांदी सोने अथवा रस्सियों की, ये फांसियां प्राणी हो जाती हैं और अंत में जीर्ण शीर्ण होकर टूट सकती हैं, पर ये मोह की फांसी तो कहते दिन दूनी रात्रि चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होती है, कभी इसमें प्राणापन या थोथापन या जीर्णता शीर्णता नहीं आती। प्रसंगम पाश मजरम, जो कभी प्राणी नहीं होती, जिसके टूटने की कभी संभावना नहीं, ऐसी ये प्रसंग जो किसी के साथ विशेष प्यार या मोहब्बत, किसी का सहवास में रहना, ये कवियो विदु कि हे माँ, विद्वानों ने जो त्रिकालदर्शी वेद मंत्रों के दृष्टा महर्षि लोग हैं, उन्होंने जो निश्चय किया है कि जो कभी जीर्ण नहीं होती, जो कभी भगन नहीं होती, ऐसी ये कहते सहवास की, मोह की, दूसरे के साथ मोहब्बत की फांसी है। पर याद रखो माँ, यही सहवास यही मोहब्बत यदि परमात्मा के प्यारे महात्माओं से की जाए, कहते ये खुला हुआ स्वर्ग कद्र बन जाए। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतं, हे माता, अगर वो ही संग, वो ही सहवास, वो ही आसक्ति, वो ही मोहब्बत, वो ही प्यार, वो ही मैत्री अगर संतों के साथ की जाए, कहते वो खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। इस प्रकार तीसरा स्कंद अध्याय 25 में देवहूति माता के प्रति कपिल महाराज कह रहे हैं। फिर स्कंद प्रथम और 18 अध्याय, वहां बड़ा ही सुंदर का तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम। फिर तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानंतिमुताशिषा। कहते स्वर्ग और जिसको अपुनर्भव मुक्ति कहते हैं, जिससे दोबारा जन्म मरण के चक्र में लौटना नहीं पड़ता जीवात्मा, वो मोक्ष। और मर्त्यानां किमुदाशिष है, ये मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं या मनुष्य लोग के जो भोग्य पदार्थ हैं, इनकी तो बात ही क्या कहना। ये संसार के सब दिव्य भोग स्वर्ग और मोक्ष, कहते भगवान के जो संगी हैं उनके संग में अगर हम एक क्षण भी रह जाएं, उनके एक लव के साथ भी स्वर्ग मोक्ष और सारे संसार के पदार्थों की हम तुलना नहीं कर पाते। मनुष्य लोक के भोगों की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग और मोक्ष भी भगवान के जो संगी महात्मा है उनके संग से जो दिव्यानंद मिलता है, उस दिव्यानंद के कहते लेश मात्र उसकी तुलना में ये एक लेश मात्र भी आनंद नहीं। स्वर्ग का आनंद, मोक्ष का आनंद, संसार के सब वैभवों का लवे ना भी न तुलिया। कहते सत्संग कि अंश के साथ भी हम स्वर्ग मोक्ष और संसार का दिव्य भोगों की तुलना नहीं कर पाते। अर्थात सत्संग का दिव्यानंद स्वर्ग मोक्ष संसार के सभी लौकिक सुखों से ऊंचा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 18वें अध्याय में कहा। अगर इसी सत्संग के ऊपर हम अधिक कहते चले जाएं तो श्रीमद् भागवत में तो सत्संग की बहुत ही महिमा लिखी, तो हमारे पास तो समय केवल 7-8 दिन का ही है, इसलिए आप यही समझ लें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद, तृतीय स्कंद, प्रथम स्कंद की आलोचना से ये पता चला भगवान या भगवान के संगी महात्मा, इनकी जो सेवा करना ये भक्ति की पहली भूमिका है। हाँ, इतना फर्क है, अगर हम भगवान की सेवा करें तो फिर आगे हमें
डायरेक्टली भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है, बीच में किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती। हाँ, अगर भगवान के प्रेमियों की संग करें, भगवान के प्रेमियों का संग किया, और उसका भी आगे प्रणाम तो हमने यही निकालना है कि उनके द्वारा भगवान को मिलना है। वह सीधा भगवत सेवा से सीधा भगवान का दर्शन होता है, और इधर पहले भगवान के प्रेमी भक्तों से मिलना, फिर उनके द्वारा भगवान से मिलना। जैसे कई बार मैंने कहा है कि छोटा झरना जब बड़ी नदी से मिलता है, फिर समुद्र के मिलने में उसे विलंब नहीं लगता। इस तरह हम हैं छोटे झरने, और भगवान के प्रेमी जो भक्त महात्मा है वो है बड़ी नदी। जब हम उनके साथ मिल जाते हैं, उनकी सेवा में चले जाते हैं, फिर समुद्र बड़ी जटला शंका मान रहे हो, इसका निर्णय, इसका समाधान तो मेरा सनातन धर्म केवल भक्त वत्सल जो भगवान नाम है इसके द्वारा कर रहा। हमारे सनातन धर्म में भगवान का नाम रखा भक्त वत्सल, 5 अक्षर है। ये 5 अक्षरों का जो भगवान नाम है भक्त वत्सल, बस इस पर दृष्टि डालते ही वो जो आशंका है कि भगवान दयालु और न्यायकारी कैसे होंगे, कपूर हो जाती। ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड उसको कहते हैं यहां 2 शब्द मिला लिए जाए। हमारी संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं समास। ये समस्त शब्द है भक्त वत्सल। अब मेरे प्रेमी मुझसे बगैर पूछे न रहेंगे कि स्वामी जी आपने कह तो दिया कि उस जटिल शंका का प्रभु के भक्त वत्सल नाम से समाधान हो गया। दृष्टता क्षमा करें, कह तो दिया, आप हमारे श्रद्धेय हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि समाधान नहीं हुआ, पर दृष्टता क्षमा करना, हमारी समझ में नहीं आया। देखिए उसकी भक्त वत्सलता में तो कोई आपको संदेह नहीं, शास्त्रों में लिखा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। आजकल चीजों के भाव बहुत ऊंचे चढ़ गए। बाजार में किसी चीज को खरीदने जाओ तो मनुष्य उसका भाव सुनते ही कुछ आश्चर्यचकित सा हो जाता है। भले भाई आजकल दुनियावी चीजों के भाव बाजारों में बढ़ गए हों, मेरे प्रभु ने तो अपने को बहुत ही सस्ता लगा रखा। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, एक चुली भर जल और तुलसी का पत्थर, हमारी बेटी महामाया जैसी देवी भगवान के प्रेम में अनुरक्त होकर जब एक चुली भर जल के साथ तुलसी पत्र को प्रभु के चरणों में अर्पण करती है, तुदीयम वस्तु गोविंद तुव्यंगेव समर्पये, प्रभु ये तेरी चीज तेरे ही श्री चरणों में अर्पण हो रही है। भगवान कहते हैं बस और कोई चीज लाने की जरूरत नहीं, इस छोटी सी वस्तु के अर्पण से मैं भक्तों का इतना प्यारा हूं कि उनके हाथ में अपने आप को बेच डालता। मेरे प्रभु की खरीदने की कीमत केवल चुली भर जल और तुलसी पत्र। भाई ये कोई कहने की बात नहीं, गोपियों के हाथ में एक शशिया बरसात के लिए बिक गए, कर्माबाई की खिचड़ी पर रीझ गए, और धन्ने जट ने चनियों की रोटली का भोग लगाया उसी पर खुश हो गए। तुलसी दल और चुलू भर जल, बस इतने ही मूल्य में मेरे प्यारे श्री कृष्ण परमात्मा को खरीदा जा सकता है। आप समझें
त्रिलोकी पति की इतनी छोटी कीमत, इतना कम मूल्य, इतना कम मूल्य क्यों? कहते वो भक्तों का प्यारा है, अपने प्यारे भक्तों के लिए अपने को बहुमूल्य होने पर भी इतना अल्प मूल्य बना लेता है। ठीक, अब आप जरा इस भक्त वत्सल जो प्रभु का नाम है इसके द्वारा प्रभु न्यायकारी भी हैं और दयाकारी भी हैं, ये कैसे होगा? इस शंका का समाधान समझने की चेष्टा करें। इस अशंका का समाधान सहज में समझ में आ जाए इसलिए मैं एक छोटी सी राम कथा का सहारा ले लेता हूं। राम ने लंका विजय के लिए लंका पर आक्रमण कर दिया, इधर राम कैंप लगा हुआ है, उधर राक्षस राज रावण का कैंप है, दोनों दल लड़ाई का अल्टीमेटम दे चुके हैं, अब लड़ाई शुरू होना ही चाहती है। सुग्रीव ने मंत्रिमंडल से मंत्रणा की और कहा कि हमारे राम बड़े दयालु हैं, अगर कोई राक्षस इनके चरणों में आ गया ये तो फौरन अपने चरणों में उसे स्थान देंगे और वो राक्षस सारा हमारा वेद रावण के पास खोल देगा। बस राजनीति का अंग है अपने रहस्य का उद्घाटन न होने पाए, अगर रहस्य उद्घाटित हो गया फिर तो विजय लक्ष्मी कभी उस राजा को माला नहीं पहनाती जिसका रहस्य शत्रुओं के हाथ में चला जाए। महावीर को गेट कीपर बना दिया कि ये बड़े कड़े हैं किसी को आने नहीं देंगे, वो ही प्राचीन परिचित राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण आदम का रावण से तिरस्कृत होकर संसार से जब ऊब जाता है तो राम की शरण ही लेनी पड़ती है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मान खुदे। गुरु नानक कह रहे हैं ये मानव जीवन बड़ा मूल्य है, बार बार आने का नहीं। अगर तू चाहता है ये दुखों का अंत होकर एक सदा आनंद सागर में निमग्न रहूं तो मेरे प्रभु राम की शरण लेनी होगी। भगीषण राम की शरण में आ रहा है। महावीर पूछते हैं कस तुम, तू कौन है? जानबूझकर पूछते हैं, पहचान तो लिया। राक्षस राज से रावण से अनजो अंके, मैं राक्षस राज रावण का छोटा भ्राता तिष्ठ रे नारसी पदार्थ पद्म प्रदा, तुम कहते ठहर जाओ, तुम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब भीषण आगे बढ़ने लगा तो बंदर की घुरकी तो आप जानते हो, महावीर ने बंदर घुरकी दी और ऐसा कुछ भाव बतलाया जैसे गला पकड़ लेगा, आंखों से अश्रुपात हो गया और मुख से निकला हार। बस भक्त का आर्तनाद वैकुंठ से प्रभु को धराधाम पर ले आता है, निराकार को साकार बना देता। हस्ती की पुकार सुनकर उस ग्राहग्रस्त हाथी ने जब आर्तनाद किया, लक्ष्मी से बगैर परामर्श किए नंगे पांव प्रभु पधारे हरिहर क्षेत्र में। जब ये स्थिति, अब 200 दूर कदम की दूरी पर बैठे हुए राम भक्त का आर्तनाद कैसे सुन सकते थे? प्रभु सिंहासन से उठे, दौड़े हुए दरवाजे पर आ गए और विभीषण का हाथ पकड़कर गले से लगाकर ले गए। महावीर छोटा समूह लेकर रह गया। फिर इतना अदक सम्मान किया, वो एक
आसन पर बैठने का मित्र का ही अधिकार हो सकता है। आज तक इस आसन पर महावीर आदि बड़े बड़े योद्धाओं में से किसी को भी बैठने का अधिकार नहीं। विभीषण को प्रभु ने उसी आसन पर बैठलाया जिस पर स्वयं बैठे हुए थे। अब क्या था, मंत्रिमंडल बिगड़ उठा। सुग्रीव, नल, नील, अंगद, महावीर सबके सब बिगड़ गए। कहते ये राक्षस का अनुचर भी नहीं, सगा भाई है, बगैर परामर्श से प्रभु ने अपने कैंप में इनको रख लिया। रखा ही नहीं बल्कि वो पद दिया जो आज तक किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ हमारे।